बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद आखिर किस पे भड़की हैं सुम्बुल तौकीर खान और क्यों? उन्हें कुछ ऐसे स्टेटमेंट देने पड़े जो काफी तीखे हैं। किन लोगों के लिए वो ये स्टेटमेंट देती हुई नजर आ रही हैं और क्या वजह है इन स्टेटमेंट्स की, बताऊंगी यहाँ पर आपको फिल्म विंडो पर। आपके साथ मैं हूँ दीपिका भटनागर। सुम्बुल तौकीर खान बिग बॉस के घर से 2 हफ्ते पहले, जो है लगभग 2 हफ्ते कह सकते हैं, पूरे 2 हफ्ते तो नहीं, बेघर हो चुकी है और अब वो तीखा स्टेटमेंट देती हुई नजर आई है एक बात पर। क्या है वो बात, चलिए इस बारे में बात करते हैं। दरअसल सुम्बुल के नाम से अकाउंट बनाकर लोग ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें कर रहे थे कि सुम्बुल मंडली को नहीं जिताना चाहती या फिर सुम्बुल को मंडली डिजर्विंग नहीं लगती जीत के लिए, जीत के लिए सुम्बुल को डिजर्विंग लगती है प्रियंका चहर चौधरी। इस तरह की बातें की जा रही थी सुम्बुल के नाम से फेक अकाउंट क्रिएट करके, और अब इन्हीं बातों पर सुम्बुल भड़की है और तीखी प्रतिक्रिया वो देती हुई नजर आई है। क्लियर शब्दों में कहा है भाई उन्होंने कि मैं अपने दोनों भाइयों में से ही किसी को जीतते हुए देखना चाहती हूँ, यानी कि या तो शिव या तो फिर स्टैन, और इस तरह की बातें मैं नहीं कर रही हूं, तो मेरे नाम से ये गंदगी या ये झूठी बातें ना फैलाई जाए। प्रियंका अच्छी कॉम्पिटिटर है, यानी कि वो अच्छी खिलाड़ी है, लेकिन मेरा सपोर्ट मंडली के साथ और मेरे दोनों भाइयों के साथ है, बिल्कुल क्लियर तौर पर मैं ये बात यहाँ साफ शब्दों में कह रही हूँ। ऐसा प्रियंका जो है वो मतलब प्रियंका की जीत के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ कि शिव या स्टैन में से कोई जीतेगा, सुम्बुल ने क्लियर किया है ये। आप क्या सोचते हैं इस बारे में अपने कॉमेंट्स के जरिए बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।